फुलझड़ी और मैं श्रुति। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी किया इंडिया के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित अत्याधुनिक प्लांट से कंपनी का नया 3-रो रिक्रिएशनल व्हीकल किया कैरेंस बनकर बाहर निकला है। जी हाँ, किया कैरेंस कंपनी की ओर से लेटेस्ट मेड इन इंडिया पेशकश है। किया कैरेंस फैमिली कार की खूबियों और SUV की स्पोर्टनेस को एक साथ लाती है। और आइए अब जानते हैं क्या है इसकी बुकिंग राशि। आपको बता दें कि किया इंडिया ने ग्राहकों के लिए 14 जनवरी 2022 से प्री बुकिंग शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक किया इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट और किया इंडिया की किसी भी अधिकृत डीलरशिप के जरिए 25,000 रुपए की प्रारंभिक बुकिंग के साथ अपनी पसंद का वाहन बुक कर सकते हैं। भारत आ रही इस कार को ग्राहकों की दमदार प्रतिक्रिया मिलना शुरू भी हो गया है और बुकिंग शुरू होने के महज 24 घंटे में ही करीब 8,000 लोगों ने इसे बुक कर लिया है। 6 और 7 सीटर व्यवस्था में आने वाली इस MPV की अनुमानित कीमत 16 से 18 लाख रुपए है। किया कैरेंस को मुकाबले के हिसाब से पैसा वसूल गाड़ी बनाने के लिए कंपनी ने इसके साथ खूब सारे फीचर्स दिए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि यह ग्राहकों को वैल्यू फॉर मनी देती है। इसके साथ ही साथ आधुनिक भारतीय परिवारों को एक सबसे बेहतरीन विकल्प प्रदान करती है। इसके अलावा किया कैरेंस अपना खुद का एक नया सेगमेंट तैयार करने और इसे परिभाषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी की ओर से कार के बड़े पैमाने पर उत्पादन की घोषणा करने से पहले किया कैरेंस का विभिन्न टेरेन और स्टिमुलेटेड कंडीशन में परीक्षण किया गया है। किया कैरेंस का निर्माण भारत में किया गया और इसे 80 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। दिसंबर में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद किया कैरेंस को आधिकारिक तौर पर फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। आपको बताते चलें कि इस खास मौके पर बात करते हुए किया इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ताए जिन पार्क ने कहा कि किया में हमारा केंद्र बिंदु हमारी प्रेरणा है और किया कैरेंस में हम नए जमाने के ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार फीचर्स की एक पूरी नई रेंज पेश कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि मैं इस नए सफर की शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। किया कैरेंस हमारा 4th प्रोडक्ट है जिसे हम भारत में लेकर आ रहे हैं। हमारी टीमों ने एक ऐसा उत्पाद लाने के लिए अथक प्रयास किया है जो सही मायने में आधुनिक भारतीय परिवारों की जरूरतों को पूरी करता हो। जब ग्राहक किया के बारे में सोचते हैं तो वे अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर्स, खास डिजाइन और कार का मालिक होने का बेजोड़ अनुभव चाहते हैं। यह सब वास्तव में कैरेंस में मिलता है। और आइए अब जानते हैं इसके शानदार इंजन के बारे में। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि किया कैरेंस को पेट्रोल और डीजल पावर ट्रेन में पेश किया गया है। इसमें 7 DCT और 6 AT सहित कई ट्रांसमिशन विकल्प शामिल हैं। यह कार नेक्स्ट जनरेशन किया कनेक्ट ऐप के साथ 66 कनेक्टेड फीचर्स, फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शंस, ट्रे के नीचे स्लाइडिंग टाइप सीट, रिट्रैक्टेबल सीट बैक टेबल, रियर डोर स्पॉट लैम्प और तीसरी पंक्ति में बोतल और गैजेट होल्डर जैसे फीचर्स से लैस है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि किया कैरेंस के साथ मिलने वाले तीनों इंजन विकल्पों में सबसे तगड़ा 1.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 140 हॉर्स पावर बनाता है और 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स से लैस है। इसका DCT वेरिएंट पैडल शिफ्टर्स के साथ आता है। मुकाबले में ये फीचर सिर्फ महिंद्रा मराजो के डीजल वेरिएंट में मिलता है। वहीं अर्टिंगा और XL6 के पेट्रोल वेरिएंट पैडल शिफ्टर्स के साथ आते हैं, जहां 3 कतार वाली लगभग सभी कारों के साथ आज की तारीख में पैनोरमिक सनरूफ दी जाती है। किया ने कैरेंस के साथ सिंगल पिन सनरूफ दी है। आपको यह भी बता दें कि यह व्हीकल 3री रो में भी पर्याप्त स्पेस प्रदान करता है। जी हाँ, यह सभी खूबियां इसे एक फुल फैमिली कार बनाती हैं। किया कैरेंस सभी ट्रिम्स में स्टैंडर्ड के रूप में रोबोट्स 10 हाई सेफ्टी पैकेज से लैस है, जिसमें 6 एयरबैग ABS, ESC, VSM, हिल असिस्ट, DBC शामिल है। यह सब इसे भारतीय सड़कों पर सबसे सुरक्षित वाहनों में से एक बनाते हैं।
आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि केबिन में दो डिजिटल डिस्प्ले मिले हैं जिनमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। इसके अलावा कनेक्टेड कार फीचर्स भी कैरन्स को मिले हैं। यहाँ 12.5 इंच ICD डिजिटल क्लस्टर दूसरे नंबर पर आता है, जो आकार में शायद सबसे बड़ा है। तो आपको इसके फीचर्स और इंजन के बारे में जानकर के कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल झड़ी के साथ। धन्यवाद।